चलो फ्रेंड फटाफट अभी ये वीडियो देख लो और इसमें जो मैं जैसे बना रहा हूँ आप भी वैसे बनाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो वो बात की बात है। पहले बनाते हैं चिकन अंगारा, बहुत बढ़िया डिश है। आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, मैंने लिया है 1.25 किलो चिकन, मतलब 750 ग्राम चिकन है विद बॉन है। एक तवा लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसमें डालिए हरा अखा धना, उसमें डालिए जीरा, क्यूमिंग सीड भी बोलते हैं इसको, उसमें डालिए फिर ब्लैक पेपर्स जिसको हम बोलते क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं है। उसके बाद हम उसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें ब्लैक कार्डिमम है, सॉरी ग्रीन कार्डिमम मैंने डाला है, लवंग डाला है, अखा लाल सूखा मिर्च डाला है और दालचीनी भी डाला है मैंने उसमें थोड़ा सा। तो इसको हम लोग थोड़े से हल्के आग पे इसको हम सेकेंगे, भूनेंगे और बाद में इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। रोस्ट होने के बाद इसको हम लोग मिक्सी में पीस लेंगे इसमें, ताकि इसका बन जाएगा किचन किंग, मतलब हम लोग इसको बोलते अखा खड़ा मसाला। चलो देखते कैसे बनता है मसाला। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, इतना कि पूछो मत। मैंने यहाँ पे एक कटोरी में लिया है 1.25 किलो दही, 250 ग्राम योगर्ट, उस योगर्ट में मैंने डाला है यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला है यहाँ पे 3 टीस्पून। उसमें जो मैंने पहले ही दिखाया था वही मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। आप चाहे तो इसको मिक्सी से, ब्राइंडर से, मिक्सी से नहीं ब्राइंडर से ही कर लीजिए, क्योंकि मिक्सी से वो उसका लस्सी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बना के लिया हुआ रेसिपी ले रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने जो प्याज थे, दो मैंने बड़े बड़े स्मॉल के प्याज लंबे काट के उसको फ्राई किया था, वो फ्राई क्रिस्पी किया था, सेम बिरयानी को जैसे हम करते हैं वैसे ही करने का, उसका पिस्ता बनाने का। फिर उसमें लाल लाल ऐसे मैंने दो बड़े बड़े टोमेटो उसमें ऐड कर दिए है। अब इस टोमेटो का और इस ऑनियन का मैं अच्छा से बारीक फाइन पेस्ट करूँगा, जिसका टेक्सचर हमारी ग्रेवी को आने वाला है। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है विद बॉन 1.25 किलो चिकन 750 ग्राम, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसमें ये जो अभी मैंने बनाया था दही वाला मिक्सचर, और यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिफिशियल कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसको बोल रहे फूड कलर, मैंने आधा चम्मच पानी में मिक्स करके इसमें ऐड कर लिया ताकि कलर थोड़ा सा हमारा बढ़िया दिखे, रेस्टोरेंट स्टाइल दिखे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको मिक्स करिए, एक घंटा तक मिक्स करके रखिए, बहुत ही सिंपल है और इतनी अच्छी बनती है कि मेरे बाकी फ्रेंड्स ने खा के उंगलियाँ चाटते रह गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर आप चाहे तो मैंने किया, आप नहीं भी करेंगे तो भी बढ़िया बनेगा, लेकिन करेंगे तो एक अलग ही फ्लेवर आएगा। एक जलता हुआ कोयले को मैंने इस कटोरी में रखा है, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे घी डाल रहा हूँ, बहुत धुआं निकलता है दोस्तों, मज़ा आता है देख के, बहुत ही अच्छा लगता है सब ये देखते हुए। और उसको करते हैं कवर और एक घंटे के लिए इसको रखते हैं मैरिनेट करने के लिए। तो हमारा मैरिनेट अभी हो गया है, एक घंटे बाद मैंने इसको खोला था, आपको वीडियो में फटाफट दिखाई दे रहा है। फिर उस तेल को गर्म करने के बाद में इसमें वही जो मैरिनेट किए हुए पीसेज है उसको मैं एक 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 करके छोड़ रहा हूँ, ऐसे मैं धीरे धीरे करके सब छोड़ूंगा, सबको मैं ऐसे ही इसमें पकाऊंगा, ये अपने आप पानी छूटेगा, बस इसको हल्के हाथ से मिक्स करते रहिए। फ्रेंड्स बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, आप ऐसी रेसिपी फटाक से सीखना चाहते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करने का, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबा दो, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको सब्सक्राइब तो फ्री है, इमीडिएट आपको सब्सक्राइब करो सर। दोस्तों बहुत अच्छी डिशेस आपको मैं आगे भी बताने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे पानी उसका छूट रहा है, बाकी का जो मसाला था मैं वो भी इसमें डाल रहा हूँ, अलग से इसमें ग्रेवी डालने का, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम करते हैं मिक्स और चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। आप ज़रूर बनाइए, आपके मेहमान सच्चे में भगवान कसम खुश होके जाएंगे। अब इसका पानी देख रहे हैं आप बहुत छूट रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो कांदे का और जो टोमेटो का जो पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं,
और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कश्मीरी चिल्ली पाउडर, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल मिलती है। यहाँ पे आगरी मसाला मैं डालूँगा नहीं, क्योंकि कश्मीरी का क्या रहता है, इसका कलर रहता है, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। मिक्स करिए, मिक्स करने के बाद इसको आप देखेंगे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कवर करेंगे। कवर करने से पहले दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का पता चले। इसको कवर करने के बाद मिनिमम 20 मिनट तक ऐसी नॉर्मल आग पे इसको पकाओ, फिर 20 मिनट बाद देखोगे आप क्या बढ़िया इसका कलर आया है, क्या टेक्सचर आ रहा है। सब्सक्राइब। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। ये ऑप्शन नहीं है, आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ ताकि एक अलग ही खुशबू आए। सेम प्रोसेस मैंने किया है, घी डाला मैंने जलते अंगारे के ऊपर, फिर उसको मैं कवर करूँगा, फिर 10 मिनट बाद खोलूँगा और फिर मैं इसको सर्व करूँगा। बहुत बढ़िया बनता है फ्रेंड।